कूलेंट है वो खत्म होने वाला है, तो ब्रेक ऐसे आवाज करते हैं ना जैसे लग रहा है भाई जंग लगी हुई खड़ी है एकदम। क्या लुक है यार इसका, बहुत प्यारी लग रही भाई, बहुत प्यारी। मतलब रोड टैक्स भी थे और ये खड्डे भी सारे आदमी अब। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद होगा आप सब लोग अच्छे होंगे। और भाई साहब आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा टीवीएस के शोरूम। मतलब दिक्कत ये है ना भाई, मेरी बाइक का जो कूलेंट है वो ख़त्म होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना यार इसको रिफ्यूल करा लें। मतलब मिनिमम से भी कम हो चुका है, तो मैंने सोचा यार करा ही लेता हूँ, अब काफ़ी टाइम हो चुका है, वैसे भी एक साल हो चुका है बाइक को। लेकिन यार बहुत जल्दी कूलेंट नहीं ख़त्म हो गया, हालांकि बाइक चली भी खूब है, काफ़ी लंबी लंबी ट्रिप भी मैंने मारी है। और कूलेंट भाई हो सकता है हीट होने की वजह से ज़्यादा, मतलब जैसे ट्रैफिक जो अपना रहता है ना वो ज़्यादा था बीच में, काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पे देखो खड्डा कितना बड़ा था यार, किसी के भी सस्पेंशन जाएंगे भाई लॉस होगा। मतलब रोड टैक्स भी थे और ये खड्डे भी सारे आदमी, अब यही तो रह गया है ज़िंदगी में। तो बस भाई जा रहे हैं, एक बार पहुँचते हैं और फिर इसका करा देते हैं भाई, कूलेंट डलवा देते हैं, थोड़ा चैन लूप और चैन क्लीन करानी अच्छे से, तो वो दोनों काम करा के फिर उसके बाद हम सीधे वापस चले आएंगे। और इतनी गर्मी में मेरा जाने का कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन मैंने भाई को वहाँ पे जो काम करते हैं उनको बोला भैया कर दो यार, उन्होंने कहा ठीक है भाई करा देते हैं आ जाइए। मेन बात यार मेरा कोई मूड नहीं था जाने का, और कूलेंट कम में इस वजह से मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं कंटेंट नहीं ला पा रहा था। आपने देखा होगा कुछ दिनों से सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड हो रहे थे चैनल पर, तो इसी वजह से हो रहे थे गाइस कि मैं बाइक चला नहीं रहा था। और मेरी बाइक में भाई चैन लूप नहीं है और चैन क्लीन नहीं है, और क्या ही बुरी किस्मत चल रही, मतलब मेरा चैन क्लीनर और चैन लूप दोनों ही एक साथ ख़त्म हो चुके हैं, और क्या ही मैं बताऊँ अब मैं। ठीक है, मतलब जब किस्मत बुरी हो ना, समय ख़राब चल रहा होता ना, तो बहुत बहुत लोचा होता है भाई। बस भाई टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे पहुँचते हैं। और एक तो यार यहाँ पे इतनी गर्मी हो चुकी है, लखनऊ में इतनी गर्मी हो चुकी है भाई, इसमें तो मतलब 300 सेगमेंट लेके निकलना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर सा है। और इसको पता है मैं भगा नहीं रहा था, कुछ दिनों से खड़ी थी, तो इसके ब्रेक ऐसे आवाज़ करते हैं ना जैसे लग रहा है भाई जंग लगी हुई खड़ी है एकदम। बस पहुँचते हैं यार, 83 टेम्परेचर भी इसका थोड़ा तेज़ बढ़ रहा है, पता है कूलेंट ना होने की वजह से। कूलेंट काफ़ी कम है, कूलेंट है ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाई मैं एक प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि भाई ऐसा ना हो। और गर्मी इतनी ज़्यादा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर तो भाई हाई होगा ही, आप स्पीड चलोगे तो। एक तो लोग पीछे से फर्जी का हॉर्न मारते हैं ना भाई, मुझे बहुत बेकार लगता है भैया मेरे, तभी तो निकलूँगा जब जगह मिलेगी मेरे को। और आप लोगों को पता ही है भाई, हम लोग जो रात में राइड करते थे तो वो वाला सीन हम लोग जारी रखेंगे। और अगर आप लोगों को भाई, मैं सोच रहा हूँ ना क्या करने को, 30 डेज़ का मैं व्लॉग चैलेंज रखता हूँ कि 30 दिन लगातार मैं वीडियो डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता व्लॉग, मतलब आप लोगों को भगाने वाली चीज़ें, जैसे ये नहीं कि भाई ये बना दी स्पेक वाला, कुछ नहीं, मस्त भगाने वाला। इस रूट को कवर करेंगे, एक रूट और है उसको भी कवर करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा लाइट्स इस रूट पर हैं, तो रात में तो यही कवर हो पाएगा भाई, मॉर्निंग में वो रूट हम कवर कर सकते हैं, ये चीज़ तो है। ये देखो ये जारी किया की K6 है, ये EV6 जिसको बोलते हैं। तो भाई साहब क्या लुक है यार इसका, बहुत प्यारी लग रही भाई, बहुत प्यारी। XUV700 जैसी हुए हैं इसकी, यहाँ गाड़ी मस्त है भाई, बहुत सही गाड़ी है यार, लुक इसका अच्छा है, कुछ भी कहो। अरे भाई, अरे भाई रेस लगा रहा भाई, दम फुल टू मौज में भैया, अभी मैं लगाने वाला आता हूँ थोड़ी देर में। भाई साहब क्या रेस लगाई भाई ने, लेकिन यार मस्त लग रही थी कार, बहुत प्यारी लग रही थी केस की EV6 सॉरी। बिना इंडिकेटर, वाह अच्छी बात है भाई, एल लिखवाए हो लेकिन बिना इंडिकेटर ही मुड़ना है, उधर से सीधे, एक से एक महान है भाई इस दुनिया में। पता है मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आज बाइक ही निकाल के गलती करी है भाई चलाने के लिए। SX4 वन ऑफ द बेस्ट मारुति कार्स इन द वर्ल्ड, कार इन द वर्ल्ड सॉरी।
क्योंकि भाई वो सिडानों के 4x4 आती थी, अब की वाली जो कुछ ही होंगी सिडान जो ऑल व्हील ड्राइव आती हैं, नहीं तो ये 4x4 आती थी। सोचो ऑल व्हील ड्राइव और 4x4 में थोड़ा सा अंतर होता है। 4x4 आई थिंक वो लो भी जा सकती है, 4x लो जाती है, 4x हाई जाती है। ऑल व्हील ड्राइव हमेशा चारों व्हील्स में पावर देती रहती है, शायद ऐसा ही सीन है कुछ, है ना। आज भीड़ कम लग रही भाई। ओह माय गॉड। और भैया, सो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी का काम हो चुका है, ठीक है, और अब हम निकल रहे हैं घर को। तो कुछ दिक्कतें थी भाई जो पिछली सर्विस में नहीं हो पाई थी सही, अब इस सर्विस में भाई सब पूरा क्लियर कट सब सही हो चुका है। एग्जॉस्ट से आवाज़ आ रही थी, वो कुछ सीन था, ढीला था एग्जॉस्ट, ठीक है, तो उसको टाइट किया इन्होंने। बाकी दूसरा भाई, बाइक जो थी ना उसका ECU जो था वो फ्लैश नहीं था, मतलब रीसेट नहीं था हर सर्विस में, मतलब जैसे अब इसका ये आया था अपडेट, तो इस बार अपडेट हुआ है, अब देखना ये रहता है कि अब कैसी चल रही है। अभी तो मैं चला के आया हूँ, अभी एकदम चकाचक चल रही भाई गाड़ी, मतलब बोले तो फुल टू मज़ेदार। तो बस यहाँ से निकल रहा हूँ। मेरा भाई पता नहीं क्या हुआ, जो माइक होता ना GoPro का, उसके एल लगे पड़े। तो बस मैं जा रहा हूँ घर को अब यहाँ से सीधे, तो भाई अब चल रही है चकाचक। बाकी कूलेंट भी अपना डल चुका है गाइस, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ओहो, फील गुड, अब अच्छी चल रही भाई। बाकी चैन लूप और चैन क्लीन हो गया गाइस, देखते हैं कुछ दिन चलाते हैं उसके बाद पता चलेगा। फिलहाल भाई मैं कंटेंट नहीं ला पा रहा था, इसी की वजह से मेरे को इसका भाई थोड़ी सी टेंशन हो रही थी बाइक की, क्योंकि भाई अगर आपने इतना पैसा लगाया तो आपको थोड़ा सा तो भाई देखना पड़ता है ये सारी चीज़ें, है ना। तो बस यही सीन है, अभी चढ़ते हैं ऊपर, थोड़ा सा भगाते भगाते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आप लोगों को। तो क्या शोरूम के अंदर का मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ, ये लोग थोड़े मेरे दोस्त टाइप के हैं, वो लोग कहते हैं भैया मत बनाया करो, ओनर जो है वो उनको थोड़ा सा मतलब ऐसे होता है ना यार कि भाई काम कर रहे हो कि वीडियो बना रहे हो तुम, तो उस चीज़ से थोड़ा सा सीन रहता है, ठीक है। तो भाई मैंने भी सोच लिया भाई क्यों किसी की नौकरी खानी है ना भाई। पता है क्या सीन है, ये जो नया अपडेट आया ना उसके चलते बाइक में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही हुई हैं, ठीक है। एक मेरी बाइक में ही एक इशू ये चल रहा था कि वो ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो रही थी। मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी होना चाहिए यार, ब्लूटूथ से तो कनेक्ट होना चाहिए बाइक को, है ना, लेकिन हो नहीं रही थी यार। तो मैंने बताया सारी प्रॉब्लम, तो उन लोगों को समझ में आया, थोड़ा इसकी फेयरिंग वेरिंग खोली जहाँ से छन 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 की आवाज़ आ रही थी, कोई नट वट ढीला था, कोई चीज़ नहीं बैठी होगी ढंग से, या फिर कोई चीज़ जैसे देखो यार आप इतना भगाओगे एक उबड़ खाबड़ रास्ते में ले जाओगे। अब मैंने बीच में बनारस की ट्रिप करी थी सर्विस से पहले, तो भाई यार रास्ता जाहिर सी बात है कहीं कहीं ख़राब थे कहीं अच्छे थे, तो कुछ ना कुछ तो हो ही सकता भाई, बाइक्स है मशीन है कुछ भी हो सकता है। अब चढ़ते भाई इसके ऊपर और अब भगाते हैं इसके स्पोर्ट्स मोड में। मुझे यार पता नहीं क्यों स्पोर्ट्स मोड बहुत पसंद है इसका, बहुत ज़्यादा पसंद है गुरु। अरे भाई अलग ही सीन हो गया भाई। सही गुरु, और इतनी गर्मी है ना मैं क्या बताऊं भाई, इसमें भाई बाइक चलाना मतलब भाई साहब, अब बाइक उठ रही है गाइस। पहले पता है छठे गियर में बाइक उस हिसाब से नहीं उठती थी पहले जैसे उठती थी, लेकिन अब उठ रही है।
परफेक्ट यार, परफेक्ट। मेरा पता नहीं क्यों इस पर दिल आ भी जाता है, दिल चला भी जाता है भाई, कुछ अलग ही सीन है इस बाइक का मेरे साथ। तो पहुँचते हैं भाई घर, बहुत तेज भूख लगी है, चल के कुछ खाऊंगा। मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया गाइस, सो क्या ही मैं बताऊँ। अब मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस बंदा हो चुका हूँ, तो मैं आप लोगों को भी सलाह दूंगा भाई कि आप लोग भी थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो बस भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।